हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो गाइस मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। तो गाइस मैं आज खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो यार बहुत सारे यूट्यूबर जो है इस गेम को ट्राई कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना भाई मैं भी इसको एक बार खेल ले लूँ। तो यार जितना मैंने सोचा था ना, वो ये वाली गेम ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल गेम है, क्योंकि भाई इसमें जो घर बनाना हो, सर्वाइव करना यार बहुत ही मुश्किल लगता है मेरे को। तो अभी चलो कोई ना, धीरे धीरे जो है प्रो बन जाएंगे इसमें भी, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी मैं जहाँ पे एक घर बना रहा हूँ, और भाई इस घर को बनाने में मैंने कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे थे यार। इतना टाइम लगा ना भाई, इतना दिमाग पागल हुआ इसमें भाई, इस घर को बनने में इतना टाइम लगा ना, इतने में तो मैं खाना बना के खा भी लूँ और सो भी जाऊँ, कसम से यार इतना टाइम क्यों लगता है पता नहीं भाई। चलो कोई ना, धीरे धीरे जो है इसमें भी प्रो बन जाएंगे हम। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, थोड़ी सी स्पीड करता हूँ, आपको देखने में मज़ा आए, और गाना भी लगा लूँगा, और फिर मैं आपको जो है लास्ट में घर भी दिखा दूँगा कि कैसा बना है। और इस वाले घर को मैं ट्राई कर रहा हूँ यार पबजी का जो स्क्वाड हाउस है उसी की तरह बनाने का, पर यार मेरे को पता ही नहीं लग रहा था, और मैंने कोशिश की है बनाने की। तो अभी आप लास्ट में देख के बताना कि कैसा बना है ये पबजी के स्क्वाड हाउस की तरह है कि नहीं। तो अभी मैं इसकी जो है स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ, आप देखो और गाना लगा लेता हूँ, इन्जॉय करो। तो गाइस जहाँ पे देख सकते हो यार घर जो है हमारा बन गया है। तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है इस घर को बनाने में। तो यार मैंने कोशिश की है कि पबजी स्क्वाड हाउस की तरह ही इस घर को बनाऊं, तो पर यार इसका जो नीचे वाला फ्लोर है वो बहुत ही छोटा है यार, आप देख ही रहे हो इसमें कितना नीचे लग रहा है ये। तो पर कोई ना, अभी मैं ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। अरे यार ये एक बॉक्स है जहाँ पे ज़्यादा है, तो अभी मैं और भी दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे पैनिक रूम जो नीचे होता है वो भी दिखाता हूँ। अभी यार इसके जो कंट्रोल है ना, अभी तक मेरे को यार पता नहीं लगा इसको चलाते कैसे हैं गेम को, पर जहाँ पे देख सकते हो ये पैनिक रूम है। तो यार पबजी में बहुत सारे कैंपर जो है इस वाले पैनिक रूम में बैठते थे, पर अभी नहीं बैठते होंगे क्योंकि अभी घर में बैठे हैं भाई सबके सब। तो अभी चलो जाते हैं ऊपर, जाके भी दिखाता हूँ। अबे यार ये क्या हो गया, इसको ठीक करता हूँ पहले। तो यार चलो अभी ऊपर की साइड जाते हैं और दिखाते हैं। अभी यार जहाँ से जगह ही नहीं है भाई, ये क्या कर दिया यार, इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ पहले मैं यार, जहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी थी मैंने ऊपर जाने के लिए। अभी जाके दिखाता हूँ ऊपर का भी सब कुछ। तो भाई यार इसके जो कंट्रोल है यार बहुत ही मुश्किल है यार, देखो अपने आप ही कोई डब्बे रख दिए मैंने यहाँ पे। तो अभी यार धीरे धीरे से जाते हैं ऊपर, कोई गड़बड़ नहीं करने का अभी। तो अभी यार ऊपर जाना है भाई, क्या हो रहा है ये, अभी नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता भाई देखो। तो चलो कोई ना, ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो ये वाली विंडो आपको पता होगी स्क्वाड हाउस में है, तो जहाँ से हम आगे की तरफ जाते थे, और जहाँ पे भी एक पैनिक रूम है आपको पता ही होगा, पबजी प्लेयर हैं सभी के सभी। तो जहाँ पे पैनिक रूम है ये थोड़ा सा अजीब बना दिया मैंने, पर कोई ना अच्छा है। तो यार इसकी जो विंडो है यार बहुत ही छोटी है, थोड़ी सी बड़ी कर लूँ इसको पहले।
तो भाई यार ये एक या इसके कंट्रोल है ना यार भाई, छोड़ो इसको बाद में करते हैं। तो बाहर जाके मैं आपको टेरेस भी दिखा देता हूँ। अभी जहाँ पे भी एक डोर था यार, डोर मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, छोड़ो कोई ना। अबे यार ये क्या हो गया, अबे भाई पूरा ही ख़त्म कर दिया, फिर से ठीक कर इसको। हाँ अब ठीक है सब। तो ये वाली विंडो भी बहुत छोटी है, पर कोई ना, बहुत कम जगह थी, जगह तो बहुत ज़्यादा थी, पर यार मैंने शुरू से ही बहुत छोटा सा घर बनाने की कोशिश की, तो कोई ना अभी ठीक है। तो अभी जहाँ पे देख सकते हो यार, ये देखने में भी बहुत अच्छा है यार, अपना घर है भाई, अच्छा नहीं होगा और कैसा होगा। तो यार आज अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही दबा देना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।